चलिए सर करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? लुप्त पद ज्ञात करना, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर कोई ना कोई एक आकृति बनी हुई आएगी, हो सकता है वो आयत हो, वृत्त हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, या कोई भी आकृति हो, उसमें कोई एक पद लुप्त आएगा, वो आपसे पूछा जाएगा। हर बार प्रश्न आते हैं, पहली बार नहीं है, ठीक है। लगभग 5-6 टाइप है टॉपिक में, डालो पहली टाइप प्रकार एक, टाइप फर्स्ट प्रकार एक, व्रत पर आधारित प्रश्न, व्रत पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस ऑन सर्किल, क्वेश्चन बेस ऑन सर्किल, व्रत पर आधारित प्रश्न। अब सुनिए एक बार में, समझ लेना, सुनो। देख लीजिए सर, कैसा प्रश्न आ सकता है और उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऐसा कोई एक प्रश्न आएगा बेटा, और इसमें क्या होंगी, सुनना मेरी बात, इसमें ऐसे लाइन होंगी, हो सकता है ये 6 हो या हो सकता है ज्यादा खंडों। मान लो ऐसे हो गया, लो ये आ गया कोई सवाल। अब आपसे कहेगा, मान लीजिए यहां है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, यहां क्या होगा ऐसे। अब आपको देगा ऑप्शन, सुनना, आपको देगा ऑप्शन 0, 36, 37, 38। इन सवालों को आप कैसे कर सकते हो वो सुन लो। कोई भी एक पद पूछ सकता है, लुप्त है। ये सवाल तीन तरीके से हल किए जा सकते हैं, बड़े प्यार से। कैसे, सुनना, हमने आपने श्रृंखला पढ़ी थी क्या? तो या तो इसमें कोई श्रृंखला चल रही होगी। श्रृंखला कैसे? क्लॉकवाइज, या तो श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज या फिर श्रृंखला होगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अगर मैं 1 से शुरुआत करूं, तो देखो 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 अगला पद क्या होगा, ये तो पूछा है। प्लस कितना? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 कितना आएगा? या तो ऐसे हल हो जाएगा। कहने का मतलब सर, या तो इसमें श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज, ऐसे चल रही होगी। जरूरी नहीं है ऐसे चल रही हो, ऐसे भी चल सकती है। कैसे? 28 में से 7 गए तो 21, 21 में से 6 गए तो 15 में से 5 गए तो 10 में से 4 गए, फिर 3 गए, फिर 2 गए, फिर 1 जाएगा, क्या आ जाएगी? 0 भी आ सकती है और 36 भी आ सकती है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में 35, 36, 37, 38 दे रखा है 36 आएगा, ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 दे रखा है तो 0 आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब श्रृंखला ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी। गुरुजी अगर श्रृंखला की कोई कहानी नहीं हुई तो, अगर श्रृंखला आपको नहीं मिले तो तीसरा तरीका सुन लो, आमने सामने देख लेना। कैसे? कि या तो इस 6 का वर्ग हो रहा होगा, यहां पर कुछ जोड़ रहा होगा, घट रहा होगा, या 6 का दोगुना या 6 का 4 गुना, ऐसा कुछ, मतलब आमने सामने की कोई ना कोई कहानी होगी ऐसे, ठीक है, ऐसे देख लेना। तो कुल मिला के तीन तरीके, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज श्रृंखला, या फिर आमने सामने का कोई लफड़ा होगा। क्लियर? करें स्टार्टिंग, चलिए करते हैं। लिखिए पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 डालो। क्वेश्चन नंबर 1 डाल के लिखो, 3, 5, 4, 2, 10, 26, 17 क्या होगा? ऑप्शन ए 4, B, 5, C, 8, D, इनमें से कोई नहीं। अभी आपको जो चीजें बताई हैं उनको फोकस करना।
या तो श्रृंखला क्लॉकवाइज या श्रृंखला एंटी क्लॉकवाइज या फिर आमने सामने कोई कहानी, क्या आएगा? बिल्कुल। अब देखो, जिन्होंने पहचान लिया उन्होंने पहचान लिया, सर तीन के सामने क्या है? दस, मतलब तीन का वर्ग प्लस एक तनामतियान और एक दस। पाँच के सामने क्या है? छब्बीस, मतलब पाँच का वर्ग प्लस एक। अच्छा, चार के सामने क्या है? सत्रह, मतलब चार का वर्ग प्लस एक। तो दो के सामने क्या आएगा? दो का वर्ग प्लस एक, दो दूनी चार और एक। आ रही है बात समझ में? चलें आगे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर दो, क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर दो में लिखो, तीन सात नौ एक्स, एक्स कह लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, यहाँ है 28 और यहाँ है 36। ऑप्शन है 9, 12, 15, 18। 9, 12, 15 और 18। अगला सवाल, 5, 12, 26, 54, 110, यहाँ क्या होगा? ऑप्शन है 222, 212, 132। 222, 212, 132, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन और ये पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चार छ दस अठारह चौंतीस, यहाँ क्या होगा? 2, 52, 66, 28। 2, 52, 66 और 28। अगला पांचवा, पांचवा सवाल कह रहा है 39, 22, 13। उनतालीस बाईस तेरह, आठ पाँच, क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं 66, 72, 78, 61। 66, 72, 71, 68। 66, 72, 71, 68। करिए सर, सॉल्व करिए, क्या आएगा बताइए। फटाक से बता दिया करो जल्दी से। कर लिए होंगे सबने आई थिंक। बताइए सर, इसका आंसर क्या आएगा इस वाले का, दो नंबर का? कैसे? अच्छा, 7 का 4 गुना 7 चौका 28, 9 का 4 गुना 9 चौक, तो 3 का 4 गुना 3 चौका। बोलो क्लियर, किसी कोई दिक्कत? या तो श्रृंखला होगी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या फिर आमने सामने की कहानी। इसमें देखना कैसे श्रृंखला चल रही है। देखो, 5 दूनी 10 प्लस 2, 12, श्रृंखला चल रही है। 12 दूनी प्लस 2, दोगुना हो गए, 2 जोड़ा है। 26 दूनी प्लस 2, 54 दूनी 108 प्लस 2, 110 दूनी
220 प्लस 2 200, क्लियर? चलें आगे, बताना इसमें क्या होगा, कैसे है? 4 × 8 माइनस 2, 6 × 12 माइनस 2, 10 × 20 माइनस 2, 18 × 36 माइनस 2, 34 × 68 माइनस 2 बराबर, बिल्कुल सही है। अगला, अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए जल्दी से, अगले का उत्तर क्या होगा? सेवेंटी टू कैसे आ रहा है बताइए? आठ दूनी 16 माइनस 3, 13 × 26 माइनस 4, शाबाश, 22 × 44 माइनस 5, गुड, बहुत अच्छे, और 39 × 2 बोलो 78, 78 माइनस 6 बराबर 72, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इसमें श्रृंखला भी लग रही थी और ऐसे भी हो रहा है, ये दोनों तीनों तरीके से हो रहा है। चलिए, कितने सवाल हो गए इसमें, इस टाइप में 5 हो गए ना। अगला लिखिए छठवां क्वेश्चन, छठवां और सातवां दो क्वेश्चन वैसे कर लो। ऐसा क्वेश्चन एक मैंने सॉल्व पेपर में सॉल्व कराया था, आपको याद है? यहां पर है सर 5, यहां 4, यहां पर है 7, यहां पर है 3, 8 और 2, और आगे है 11 और 8, 1 40 72, 1 40 72, यहां क्या होगा? ऑप्शन है 261, 612, 931। इनमें से कोई नहीं। अगला है 5 5 7 3, 5 5 7 3, 0 64 36, 8 11 2, और यहाँ 8 और क्वेश्चन मार्क। इसमें आंसर देना है क्या आएगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ आपको इसके दूसरे के, 0 125, 100 144। बताइए फटाफट से दोनों को करके क्या आएगा आंसर?
कर लिया क्या? किस किस ने कर लिया? देखिए इसका आंसर क्या आएगा, अब मेरी बात सुनना ढंग से। अब तक हमने बात की थी या तो श्रृंखला क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या आमने सामने। यहाँ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ हमेशा इन दो पदों से मिलकर के ये वाला बनता है, ऐसे इन दो से ये बनेगा, इन दो से ये बनेगा और इन दो से ये बनेगा, ध्यान रखना हमेशा। जुड़ के घट के गुणा होके या वर्ग होके, जुड़ के घट के गुणा होके या वर्ग होके हर हालत में इन बाहर वालों से अंदर वाला बनेगा। जैसे पांच में से एक चार गया तो एक, और एक का क्यू क्या होता है? क्लियर? देखो सात में से तीन गया तो चार का क्यू क्या होता है? ये रहा 64। मुझे नहीं दिख रहा होगा क्या? मुझे ये 64 दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा? अरे एक का उल्टा क्या होता है? 64 का उल्टा क्या होता है? बोलो दोनों का अंतर कितना? तीन, और तीन का क्यों क्या? 27। ये रहा 27, दिख रहा है क्या? अब नहीं कहोगे बेहतर है। इनका अंतर लिया, उसका घन किया, एक का घन एक उल्टा कर दिया, सात और तीन का अंतर चार, चार का घन 64 का उल्टा 40, और आठ और ग्यारह दोनों का अंतर तीन, तीन का घन 27, 27 का उल्टा 72। बोलो आठ और दो का अंतर 6 का घन और 216 का उल्टा। अगला सवाल, इसमें उल्टा था इसमें सीधा दे रखा है, बात खत्म। देखो पांच और पांच का अंतर और जीरो का क्यू जीरो, सात और तीन का अंतर चार का क्यू, अरे 64 ही लिख रही है, का जीरो ही लिख रही है ना, आठ और तीन ग्यारह, आठ और तीन ग्यारह और तीन का क्यू क्या होना चाहिए था? 27। तो फिर देखो इनमें अंतर 6 का क्यों नहीं, गलत है सर, सर ऐसे नहीं होगा, कोई और तरीका ढूंढिए। कोई और तरीका ढूंढो, ये तरीका गलत है, कोई और तरीका ढूंढो और करके बताओ क्या आएगा। बताओ सर क्या आएगा? नहीं मिल रहा? मुझे मिल गया। देखो अब सुनियो, पांच और पांच का अंतर बोलो और जीरो का वर्ग, सात और तीन का अंतर चार, जितना इनका अंतर आ रहा है ना उसका दुगना कर दो, चार दूनी आठ और आठ का वर्ग 64। इधर देखो इनका अंतर, सुनो इनका अंतर क्या? जीरो, जीरो का यदि मैं दुगना भी करूं तो क्या आएगा? और जीरो का स्क्वायर, चार अंतर आया, चार का दुगना आठ, आठ का वर्ग 64। यहां देखो आठ और तीन ग्यारह का अंतर तीन, और तीन का दुगना और छह का वर्ग, ऐसे इन दोनों का अंतर 6, 6 का दुगना और 12 का वर्ग, अंतर निकालो, अंतर का दुगना करो और वर्ग कर दो, अंतर निकालो, अंतर का दुगना करो और वर्ग कर दो, आंसर आ गया आपके आगे। कोई दिक्कत यहां तक है क्या? नहीं है ना, चले आगे। फिर लिखो अगली टाइप, प्रकार दो, प्रकार दो लिखो, आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न।
आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न। चलिए सर, तो बात कर रहे थे सेकंड टाइप की, और सेकंड टाइप क्या है? आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न। आयत तथा वर्गों पर आधारित प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, वो सुन लीजिए। चलिए देखिए सर, आयत व वर्ग वाले जो प्रश्न होंगे वो कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपके लिए यहां लिख दे रहा हूं, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 35, 24, यहां क्या होगा? ऑप्शन ए 15, 21, 72, 42। जिसने, हाँ जिसने भी 15 बताया, बिल्कुल सही बताया उत्तर। तो अब सुन लो, इनको कैसे अपन हल कर सकते हैं, सुनना ढंग से। या तो इन दो पदों से मिलकर के तीसरा बन रहा होगा ऐसे, या तो पंक्ति के हिसाब से, जैसे मैंने पहली टाइप में बताया वैसे बता रहा हूं, या तो पंक्तियों में हल कर सकते हैं ऐसे। 8 और 5 से हो गए 35 आ रहा होगा, 7 और 4 से हो गए 24 आ रहा होगा, ऐसे ही 6 और 3 से मिलकर क्या बनेगा, 15, 18, जो भी बनेगा। या तो ऐसे सॉल्व होंगे, या सर, या फिर पंक्ति से ना करके हम स्तंभ के हिसाब से भी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है? ऐसे कोई ना कोई लॉजिक लग रहा होगा तीनों में, वो आपको छांटना होगा क्या लॉजिक है। जैसे इस सवाल में लॉजिक क्या है, सुभाष ने तुरंत बता दिया 15 आया। कैसे आया? देखो, इन दोनों का हुआ है बेटा गुना। क्या हुआ? गुना। बोलो 58, और 40 में से छोटी संख्या घटा दी क्या, 5, कितना बचा? 7 चौका क्या घटाऊं, 4, ये 4 ये घटा दिया, कितना आया, 24। ऐसे ही 6 तिया क्या घटाऊंगा, 3, क्या बचेगा, बहुत अच्छा, क्लियर। तो ऐसे आपको जवाब देने, 4-5 प्रश्न लिख लीजिए फटाक से। लिखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखना है वो सुनिए। 2, 3, 4, 24, 39 क्वेश्चन मार्क, 2, 3, 4, 24, 39 क्वेश्चन मार्क, 20, 30, 40, 20, 30, 40। बताना है दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, रिक्त पद में क्या आएगा। ऑप्शन है 44, 49, 50, 56। 44, 49, 50, 56। बताइए सर क्या आएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। शाबाश, क्या आएगा, 56। कैसे आएगा? देखिए इधर देखिए, 2 से इसको डिवाइड करो कितनी बार, 10 बार, प्लस 2 को ही जोड़ दो, 10 और 2, 12, कितना हो गया, 12, और 12 दूनी 24। सेम 3 का दिया 30 में 10 बार, 10 और 3, 13, और 13 × 3, 13 × 3, 39। ऐसे 4 का दिया 40 में 10 बार, प्लस क्या, 4, 14, और 14 × 4, 56 आ गया। इससे इसको डिवाइड किया नीचे वाले को, जितनी बार डिवाइड हुआ उसमें ऊपर वाले को जोड़ा, और ऊपर वाले से ही गुणा कर दिया। 2 का भाग दिया 20 में 10 बार, 10 और 2, 12, और 12 का गुणा 2 से ही कर दिया, 12 दूनी 24। 3 दानी 30, 10 बार, 10 और 3, 13, 13 × 3, 39। ऐसे 10 का भाग 4 का भाग 40 में दिया 10 बार, 10 और 4, 14, और 14 × 4, 56। क्लियर, चले आगे। अगला प्रश्न लिखिए तीसरा, तीसरा प्रश्न लिखिए और करके बताइए मुझे।
दो तीन चार, चौदह इक्कीस क्वेश्चन मार्क, इक्कीस अट्ठाईस पैंतीस, अट्ठाईस पैंतीस अगला पद क्या होगा? दीजिए सर प्रश्न का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन दूं क्या? ऑप्शन है 35 49 28 42, 35 49 28 42, 35 28, इनमें से कोई नहीं क्या आएगा? शाबाश, कैसे आ रहा है बताओ जी? सात का गुणा कर दो सर। लीजिए सर, कर दिया मल्टीप्लाई, सात सात दूनी चौदह, सात तिया इक्कीस, सात चौका मल्टीप्लाई सात से सात तिया इक्कीस, सात चौका अट्ठाईस, सात पंजे मतलब जिससे गुणा हो रहा है उसके आगे बढ़ते जाना है। फिर सात का गुणा दो से, सात दूनी चौदह, फिर तीन से, फिर चार से, तीन से, चार से, पाँच से, ऐसे ही। अब सात चौका, सात पंजे, सात छिंग, तो 28 और क्लियर, कोई डाउट? चलो अगला करके बताओ फिर। बड़ी आसान सी चीज़ें आप कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है 15 7 3, 225 70 एक्स, 30 20 8, 12 13 14 15, 12 13 14 और 15, करिए क्या आएगा? किसने कर लिया? शाबाश, क्या आया? बहुत अच्छा बेटा, गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जिन्होंने नहीं किया वो उधर देखो, आपको दिख रहा है यहाँ क्या है? 225 कब आएगा? जब 15 का गुणा 15 से ही होगा। 70 कब आएगा? जब 7 का गुणा किससे होगा? 10 से। तो ये गुणा हो कैसे रहा है? तो देखो, 30 का आधा 15 और 15 15 225, 20 का आधा 10 और 10 × 7 70, ऐसी 4 का आधा 8 का आधा 4 और 4 तिया। जैसे ही आप देखो सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे हो सकता है। अरे क्लियर, यहां तो कोई डाउट? चलो दो प्रश्न और करा देते हैं फिर। समझ में तो आ रहे हैं ना सबके कैसे करने? पांचवा और छठवां लिखिए। पांचवा प्रश्न हो जाए यहां पे तो बहुत अच्छी बात, नहीं हो तो होमवर्क में करके लाना, ठीक है? मैं प्रश्न लिख दे रहा हूं आपके लिए। पांचवा प्रश्न, 188 188, 300 263 अगला है, 893 915 एक्स, ऑप्शन है 45 44 88, इनमें से कोई नहीं। 45 44 88, इनमें से कोई नहीं।
और अगला जो प्रश्न है, छठवां, चलिए पांचवा और छठवां दो प्रश्न आप लोगों को करने हैं, फिर अगली टाइप पे चलेंगे। बताएगा कोई पांचवे का आंसर क्या है या छठवे का आंसर, कमेंट करके बताइए, बोलो क्या आना चाहिए। सर समय की कमी को देखते हुए कहो तो मैं करा दूं या होमवर्क में दे दूं, बोलो जल्दी। ठीक है, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 188 एंड 263, डिफरेंस इज 75। 75 अंतर आया दोनों का, और 75 का चार गुना करना कितना आ गया 300। ऐसे ही इन दोनों का अंतर कितना आया 22। 75 आया था अंतर 75 का चार गुना, तो 22 का चार गुना करना कितना आया 88। दोनों का अंतर निकाला 75, 75 का चार गुना, इन दोनों का अंतर निकाला 22, 22 का चार गुना 88। ये वाला किया क्या किसी ने? नहीं किया। चलिए ये भी कर देता हूँ। देखो मैंने कहा था पंक्तियाँ स्तंभ देख लिया करो कभी कभी। देखा 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हंसने लगी 1, 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 1 हासिल 11, 110 हो गया। 5 और 2 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9 90 हो गया। 5 और 2 7 और 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 90 हो गया। ठीक है, 72 और 78 और 12 पहले से कितना है 90, पहले से 90। तो इसको कोई भी एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए, सुनना, ये पहले से 90 है तो 90 को एक पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें किसी ना किसी संख्या की जरूरत है। या तो इसका उत्तर आएगा क्या 0, क्योंकि 90 पहले से है, या फिर इसका उत्तर आ सकता है 10, 100 हो जाएगा, या फिर 20, या फिर 30, या 40, या बढ़ते रहेंगे आगे। अब छोटे से छोटा हमें चाहिए 0, 0 यहाँ पे है नहीं, तो छोटे से छोटा क्या ला सकते हैं फिर अपन 10 ला सकते हैं। 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, 90, 100 और 110। हालांकि गलत है ये क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तीनों का योग बराबर होना चाहिए था, अगर योग का ही क्वेश्चन है तो, है ना। तीनों का योग क्या होना चाहिए था, इक्वल। इक्वल कैसे होना चाहिए था, देखो जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कई बार, इसलिए बता रहा हूं। मान लो यहां पर होता 56 और यहां पर होता 22, ऐसे होता, अगर मान लो ऐसे प्रश्न होता। अब तुम लगा रहे हो आगे पीछे जोड़ो घटाओ गुणा भाग कर लियो, ना एरो, ना एरो, तो गलती से दिमाग में यू भावना आनी चाहिए कि ऐसे के जुड़ के आ रहे हो। जैसे इन सबको योग करो कितना आयो 100, इन सबको योग करो बोलो कितना आया हो 100। तो इसका मतलब इनका योग करने पे भी क्या आना चाहिए 100। 78 और 12 कितने आ गए 90, का और जोड़ूं फिर 10 और जोड़ दूं कितना आ जाएगा 100। ऐसे होते हैं ये प्रश्न। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो ये अप्लाई कर लेना, फिर योग करना, फिर सबका
या तो पंक्तियों का योग या फिर स्तंभों का योग। ऊपर से नीचे जो ये है इनको बोलते हैं स्तंभ, और लेफ्ट से राइट जो है उनको क्या बोलते हैं? पंक्ति। पंक्ति और स्तंभों का योग करके देख लेना अगर कोई समस्या आए तो। क्लियर? चलें अगली टाइप पे। लिखो प्रकार तीन त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न। त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न, किस पर आधारित? त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन बेस ऑन ट्रायंगल, क्वेश्चन बेस ऑन ट्रायंगल, त्रिभुजों पर आधारित प्रश्न। क्लियर सर? चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, कितने त्रिभुज आ गए? तीन। और इन पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ आएगा, जैसे यहाँ आ गया दो चार पाँच, अगले पे लिख रहा है पाँच तीन तीन, पाँच तीन तीन, उससे अगले पे लिख रहा है छः एक चार, छः एक चार। यहाँ दे रखा है एक्स का मान बताना है, इसमें दे रखा है चालीस और इसमें दे रखा है पैंतालीस। एक्स का मान बताना है, कह रही है कुछ कहाँ पे? हाँ छः एक चार। चलिए अब यह आपको बताना है, ऑप्शन दे रखे हैं चौबीस पैंतीस तीस पचास, चौबीस पैंतीस तीस पचास। क्या आया भाई आंसर? शाबाश। कैसे आया? देखिए इन त्रिभुजों वालों में आपको एक बात याद रखनी है कि जो ये बाहर के तीनों है ना, इन तीनों का प्रयोग करके क्या आएगा? अंदर वाला। कैसे आ रहा है बताओ? गुणा कर दूं, चार दूनी आठ, पन चालीस, ऐसे इनका करो, पान तिया और पंद्रह ती, ऐसे इनका छः एकम और छः चौक। क्लियर? तो इन बाहर वालों से मिलकर के अंदर वाला पद प्राप्त होगा। बोलो क्लियर यहाँ तक? चलो अगला अगला सवाल नोट करो, क्वेश्चन नंबर दो। इसमें दे रखा है सर बारह तेरह पाँच आठ सत्रह पंद्रह, एक्स चौबीस पच्चीस। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे हैं एक सात नौ ग्यारह, एक सात नौ ग्यारह। बताइए क्या आंसर आना चाहिए अगले अगले क्वेश्चन का? क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? पाँच तेरह बारह आठ सत्रह पंद्रह एक्स चौबीस पच्चीस, बताओ। इधर देखो सामने सामने देखो सामने, ये आपको नहीं लग रहा है कुछ कर्ण जैसा? ये आधार जैसा पाइथागोरस प्रमेय लगी हुई है यहाँ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। बारह बारह एक सौ चौवालीस, पचम पच्चीस, पच्चीस एक सौ चौवालीस, एक सौ उनहत्तर का रूट तेरह आ गया। जब कर्ण सत्रह का होता है तो आधार पंद्रह का, लंब आठ का होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई होंगी। अब यहाँ ये 25 का, ये 24 का, तो ये आएगा 7 का। कितने का आएगा? 7 का। तो उत्तर आएगा 7। जिनको नहीं पता है वो देख लो, जिनको याद है ट्रिपलेट्स, जिनको मेरी तरह ट्रिपलेट्स याद है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं है वो देखो। कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ही तो होता है। अगर कर्ण में से मैं आधार को हटा दूँ तो क्या बचेगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। कर्ण कितने का? 25। 25 का स्क्वायर 625, आधार 24, 24 का स्क्वायर 576 बराबर लंब का स्क्वायर। पच्चीस
25 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 576। अब देखो सर आगे, 576 और 625 का अंतर 49 बराबर लंब स्क्वायर, स्क्वायर हटाया 49 पर रूट बराबर लंब कितने का है, 7। क्लियर? तो आपको पूरे अपने जो ज्ञान के चक्षु हैं वो खोल के रखने हैं, पता नहीं कहाँ से कौन सी बात आ जाए, रीजनिंग है। क्लियर? चलें आगे। चलिए सर अगला प्रश्न तीसरा क्वेश्चन सभी बच्चे करके बताएं मुझे। लिखें सर, पहला जो है उसमें रखा है 7 4 9 19 7 4 9 19 9 3 6 x 12 12 8 5 12 8 5 28। एक्स की वैल्यू क्या होगी बताना है। ऑप्शन है 21 16 75 23, 21 16 75 और 23। बताइए क्या आएगी। शाबाश, बहुत अच्छे, क्या आएगी 21। कैसे आ रही है कोई बताएगा, बताओ। अच्छा सर, इनका गुणा हो रहा है 7 चौका, माइनस करना है इसको 9 को, कितना बचा 19। 9 3 माइनस 6 कर दिया, बोलो क्या आएगा 58, माइनस कर दिया कितना 12, बराबर क्या आया 28। तो बिल्कुल सही उत्तर क्या आएगा 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 21, 21 आ जाएगा। हेलो चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? अगली लाइन पे चले फिर, अगली लाइन लिखो। प्रकार कौन सी चलेगी, 4, प्रकार 4 लिखो, टाइप 4। लिखो रेखाओं पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित? रेखाओं पर आधारित, एरो। किस पर आधारित है? एरो पर आधारित। पहला क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व कीजिए, बड़े आसान से, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। क्या आएगा सर? क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? इसी तरीके से करना है, या तो श्रृंखलाएं चलेंगी या फिर आमने सामने। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग। क्लियर? आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। बताओ कोई डाउट यहाँ तक? चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न लिखो,
सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में लिखिए लिखिए 13, 17, 221, 12, 19, 228। अगला पद बताना है 13, 18x, 13, 18x। ऑप्शन है 31, 229, 234, 312। 31, 229, 234, 312। शाबाश, इसे बोलते हैं बच्चों का होशियार होना। क्या बोलते हैं इसे? बच्चों का होशियार होना। बोलो उत्तर क्या आएगा? शाबाश, कैसे आया पता है? 13 × 12 = 12 × 19 = तो 13 × 18 है, तो मैं तो ऐसे करूँगा 8 × 3 = 24, 24 मतलब जिसके पीछे 4 आ रहा है। क्लियर? चलिए इस टाइप का अंतिम सवाल कौन करेगा? इस टाइप का अंतिम सवाल कौन करेगा? दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, एक्स के स्थान पर क्या आएगा? नन ऑफ? शाबाश, 9 आ रहा है ना। लीजिए ऑप्शन मैंने बदल दिए। अब सुनना ऑप्शन, नन ऑफ दीज कहने से पहले मैं 4 ही ऑप्शन लिख रहा हूं बस। सात, 11, 13, 5, कोई नन ऑफ दीज नहीं है, कुछ नहीं है, ये 4 ऑप्शन है। सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से, बताइए क्या आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर?
चलिए सवाल दे दिया मैंने आपको, किसमें? होमवर्क में। कल की क्लास में सवाल की बात करेंगे, आते जाते ध्यान रखना, ठीक है? लास्ट टाइप लिखो विविध। टाइप कौन सी चलेगी? चार, पांच? पांच। विविध लिखिए पहला क्वेश्चन विविध का। विविध का पहला क्वेश्चन लिखिए। दो तीन चार पांच, दो तीन चार पांच, 62। चार पांच छ आठ, चार पांच छ आठ, ऑप्शन 26, 26। तीन सात पांच आठ, तीन सात पांच आठ, तीन सात पांच आठ, और एक्स ऑप्शन ए 94, ऑप्शन बी 95, ऑप्शन सी 96, देन ऑप्शन डी 97। बताइए जल्दी से करके क्या आएगा। हाँ भाई बताइए क्या रहा? 95 आया, कैसे आया बताइए? इनका मल्टीप्लाई किया तीन दूनी, और इनका मल्टीप्लाई किया पांच चौका 20 और 6 26, और 26 का अपोजिट 62। सेम इधर गुणा किया पांच चिंगी आठ चौका 32 और 30 62, और 62 का उल्टा 26। सेम यहां कर दो, सात पंजे आठ तिया 24, दोनों का टोटल किया 59, 59 का अपोजिट 90। क्लियर? कोई डाउट? चलें आगे। ऐसे बहुत से प्रश्न आते हैं ना, आपको ध्यान देना है उन चीज़ों पे कि कैसे सॉल्व होंगे। अगले प्रश्न पे चलूं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। सेकेंड क्वेश्चन इसमें मेंशन करना है 3 7 9 11, 3 7 9 11 बीच में आया है सिर्फ जीरो, आपको उधर बताना है 4 7 4 7 16, 4 7 16 और 8, बताना है यहाँ क्या आएगा एक्स की वैल्यू। ऑप्शन है 15 25 52 51, 15 25 52 और 51। बताइए क्या आएगा जल्दी से करके, तब तक मैं अगला प्रश्न लिखता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3,
चार, छः और चौदह, फोर्टीन। अगला चार पाँच तीन नौ, चार पाँच तीन नौ। अगला दो दो, दो दो छः, और यहाँ पूछा है क्या आएगा, ऑप्शन है छः पाँच आठ चार, छः पाँच आठ चार। बताइए तीसरे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा। बताइए सर क्या होगा। ऊपर वाले का आंसर अचानक वो आवाज़ कहाँ चली जाती है जो बार बार कह रही थी सर, आंसर ला के दो क्या आएगा। ऊपर वाले प्रश्न को देखो कैसे जीरो आ रहा है। सर प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। और अगर नहीं हो पा रहा है तो बोल दो कि सर कल कर लेंगे, पर बोलोगे कुछ तभी तो। हाँ दोनों में से कोई सा नहीं हो रहा। अरे सेकंड, ये थर्ड तो कर लिया होगा, नहीं किया। पांच आ रहा है इसका, कैसे आ रहा है सर बताओ। नहीं पता, देखो चार प्लस तीन सात गुणा छः कितना आया, बयालीस का तिहाई हिस्सा निकाल दो, चौदह आ गया। चार प्लस पाँच, पाँच और चार नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस का तिहाई हिस्सा निकालना क्या आएगा, नौ। तीन का भाग दे दो सब में लास्ट में, दो और दो चार और चार छिक्की चौबीस, भाग देना तीन का, तीन अट्ठे क्या आएगा, आठ।
पहले दो जोड़ने तीसरे का गुणा करके तीन का भाग, पहले दो जोड़े तीसरे का गुणा करके तीन का भाग, पहले दो जोड़े तीसरे का गुणा करके तीन का भाग, पहले दो जोड़े तीसरे का गुणा करके तीन का भाग। अब रह गया क्वेश्चन नंबर दो, कर रहा है कोई? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, जब तक क्लास खत्म हो तब तक करके बताओ, आगे चलते हैं। जब तक हम चौथा क्वेश्चन, जैसे क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं हमारी में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मैं चाहूँगा वो करके बताएं तब तक। जैसे हरवीर है हमारा, है ना, तीन चार बार पढ़ चुका है अब तक। चलिए अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न सर, 84, 14, 12, इक्यासी, 18, 9, 88x 11, ऑप्शन 7, 16, 21, 28, 7, 16, 21, 28। चलिए सर करके बताइए क्या आंसर आएगा, लास्ट क्वेश्चन आज का और इस टॉपिक का भी लास्ट अंतिम। बताइए सर क्या है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर दो। सर 16 आया इसका है, चलिए देखिए कैसे। देखो जो भी यहां है ना उसका आधा कर दो, भाग दो का दे दो पहले, तो 7 और 12 = 84, जो भी यहाँ है उसका आधा कर दो, क्या आया 9 और 9 = 81, जो भी यहाँ है उसका आधा कर दो, मतलब x का आधा करने पर क्या आना चाहिए 88, तो 11 8 88, इसका मतलब x का आधा है 8, तो x कितना हो गया 16। मैं किसी चीज का आधा है 8 तो पूरा क्या हो गया 16, है ना। थैंक यू फॉर टॉपिक, हो गया आज का समाप्त, आगे की बात करेंगे कल।